बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम। कसम है कुरान की, कुरान हिकमतों से भरी हुई किताब है। कोई है जो कुरान के इल्म और हिकमत से अपनी परेशानियों का हल तलाश करे? दोस्तों, बच्चों, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, जिस ज़मीन पर हमने जन्म लिया है, अल्लाह ने उस ज़मीन को एक नियम और कानून पर कायम किया है, और नियम और कानून इस ज़मीन की फंडामेंटल बुनियादों में से है। और वो नियम और कानून है बदलाव, परिवर्तन। दुख आता है तो सुख चला जाता है, आसानी आती है तो परेशानी चली जाती है, अमीरी आती है तो गरीबी चली जाती है, मुश्किल हो या आसानी, अच्छाई हो या बुराई, सेहत हो या बीमारी, मौत हो या हयात, सब आती हैं और चली जाती हैं। किसी चीज़ में भी ठहराव नहीं है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने एक ख़ास तोहफ़ा ये दिया है कि इन सब चीज़ों से मुकाबला करने के लिए हमें इतना ताकतवर बनाया है के मुकाबले में जीत हमारी ही पक्की है। ये 100% गारंटी है। और वो गारंटी ये है कि अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक सूरह अलिफ अलम नशरा की आयत नंबर 5 में फरमाता है, फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है। दूसरी जगह सूरह बकरा आयत नंबर 286 में इरशाद फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। तीसरी जगह इरशाद फरमाता है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदो मेरी रहमत से मायूस मत हो। चौथी जगह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह मा साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र वालों के साथ है। तो दोस्तों, फिर परेशानियों से घबराना कैसा? हर परेशानी हमारे लिए कुछ आसानी लेकर साथ आती है, ये कोई और नहीं बल्कि अल्लाह ताला यकीन दहानी करा रहा है। तो आप किसी परेशानी से भी घबराइए नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखिए, खुश रहिए, सब्र कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए, यकीनन आप ही कामयाब रहेंगे।